नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया था कि पोषण ट्रैकर ऐप में जितने भी मॉड्यूल है उस पर मैं बारी बारी से वीडियो बनाऊंगा, तो इस पर इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना भी चुका हूँ, जो कि पहला वीडियो मेरा था गर्भवती महिलाओं को कैसे ऐड करते हैं, और दूसरा वीडियो मैंने बनाया था कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कैसे जोड़ा जाता है और उसमें प्रोफाइल अपडेट कैसे किया जाता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है। और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ट्रैकिंग में काम क्या क्या होता है, उसके ऊपर मैं सारा जानकारी बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो भी मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ आप सब तक पहले पहुँचे। दैनिक ट्रैकिंग का काम क्या होता है कि इसमें जब भी आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र खोलती हैं तो सबसे पहला काम आप लोगों का होता है कि दैनिक ट्रैकिंग, यानी कि जो भी दिन भर का जो भी दैनिक ट्रैकिंग का काम होता है उसमें आप लोग को हाजिरी बनाना, बच्चों को रजिस्टर मेंटेन करना करेंगे। सबसे पहले इसको दैनिक ट्रैकिंग को ओपन करेंगे। दैनिक ट्रैकिंग को ओपन करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सोमवार 15 मार्च 2021 का यहाँ आज का डेट दिखाई दे रहा है। जब भी आप लोग खोलेंगे उस दिन का ये डेट यहाँ पर शो हो जाएगा। तो उसमें आप लोग को कौन कौन से काम करना है ये सारी जानकारी मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्या आपने आज आंगनबाड़ी केंद्र खोला है, तो आपको सिंपली क्या करना है इस पर हाँ पे क्लिक करके जारी सबमिट करें और जारी रखे पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग का स्टेप आ जाता है उपस्थिति एवं हाजिरी। तो आज के दिन जो भी बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, और आज कौन कौन से बच्चे आपके आंगनबाड़ी केंद्र में आए हैं, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, जो जो बच्चे आए हैं उस पर टिक लगा देना है और जो नहीं आए हैं उनको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद सारा डिटेल्स भरने के बाद आप लोग यहाँ पे नीचे करते जाएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे सबमिट करें ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सबमिट करें और जारी रखें, इस पर हम लोग सिंपली क्लिक कर देंगे तो हम लोग का दूसरा स्टेप भी पूरा हो जाएगा। दूसरा स्टेप पूरा होने के साथ ही तीसरा स्टेप खुल के आ जाएगा HCM, यानी कि HCM किन बच्चों को आज लंच परोसा गया गरम पकाया हुआ खाना। तो जो जो बच्चे उपस्थित हैं उन सभी को लंच दिया जाएगा, तो उन सभी बच्चों को जो जो उपस्थिति है उन पे हम लोग टिक लगा देंगे और फिर से हम लोग नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद फिर से हम लोग सबमिट करें और जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का तीसरा स्टेप भी पूरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है THR, यानी कि किन बच्चों को THR दिया गया, यानी कि टेक होम राशन। तो जो जो बच्चे को THR राशन दिया जाता है उन बच्चों पे टिक मार लगा देना है। टिक लगाने के बाद सबमिट करें और जारी रखे पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप आ जाता है गतिविधि, यानी कि ज्ञान संबंधी कौशल। आज हम लोग जब आंगनबाड़ी खोले तो बच्चों को क्या क्या ज्ञान संबंधी बातें बताई और कौशल, यानी शारीरिक और मानसिक तौर पर जो भी जानकारी हम लोग बच्चों को सिखाए वो उस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद है व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी कि साफ सफाई के बारे में हम लोग आज बच्चों को सिखाए हैं, उसके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग टिक मार लगा देंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आज का दैनिक ट्रैकिंग हम लोग का समाप्त हो गया। तो इसी प्रकार से आप लोग को भी काम करना है इस ऐप में, और इस ऐप में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।